गुड मॉर्निंग दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे शिवा राजकुमार, खानवी लक्ष्मी, श्वेता चेंगप्पा, उमा श्रेष्ठ और कनाडा की नई रिलीज फिल्म वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन एंड बजट के बारे में। दोस्तों बात करें कनाडा की नई रिलीज फिल्म वेधा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की, तो फिल्म वेधा का कनाडा का बॉक्स ऑफिस पर डे वन के अंदर डिसेंट शुरुआत हुई है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे वन की बात करें तो फिल्म ने डे वन के अंदर वर्ल्ड वाइड 2.5 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का कनाडा से 2 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। वहीं दोस्तों फिल्म वेधा के बजट की बात करें तो फिल्म वेधा को 8 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों फिल्म वेधा के स्क्रीन्स की बात कर ले तो फिल्म वेधा को अप्रोक्स 200 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है विद 500 शोज के साथ इन कर्नाटका में। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म वेधा को वर्ल्ड वाइड 16 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। दोस्तों कन्नड़ की नई रिलीज फिल्म वेधा, आपने फिल्म वेधा देखी या ना देखी, अपनी राय कॉमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं पृथ्वीराज सुकुमारन की नई रिलीज फिल्म कप्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कप्पा के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म कप्पा ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड 2.70 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का केरला बॉक्स ऑफिस से 2 करोड़ की कमाई रही। इसी के साथ फिल्म कप्पा का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 5.45 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहाँ फिल्म का केरला बॉक्स ऑफिस से अभी तक 4.1 करोड़ की कमाई हो चुकी है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म कप्पा ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर वर्ल्ड वाइड 2.7 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था, जहां फिल्म का केरला बॉक्स ऑफिस से 2.1 करोड़ की कमाई रही थी। फिल्म कप्पा के बजट की बात करें तो फिल्म को 10 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। फिल्म के स्क्रीन्स की बात कर ले तो फिल्म को 250 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया है। तो पृथ्वीराज सुकुमारन की ये फिल्म एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है, तो अगर आप पृथ्वीराज सुकुमारन के फैन है और आपने ये फिल्म नहीं देखी तो अपने नजदीकी थिएटर्स में जाके इस फिल्म का लुत्फ जरूर उठाएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं तमिल की नई रिलीज फिल्म लाठी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। बात करें विशाल स्टारर फिल्म लाठी के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म लाठी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर वर्ल्ड वाइड 4.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 3.15 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। दोस्तों इसी के साथ फिल्म लाठी का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर वर्ल्ड वाइड से 8.76 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 6.40 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है। दोस्तों फिल्म लाठी के बजट की बात करें तो फिल्म को 25 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। वहीं दोस्तों आप सभी को बता रहे कि फिल्म लाठी ने अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 के अंदर 4.5 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया था, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 3.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा था। फिल्म लाठी की बात करें तो फिल्म लाठी में विशाल एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में है, जो एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। फिल्म लाठी आपने देखी या ना देखी, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नयनतारा अनुपम खेर सत्य राज स्टारर हॉरर ड्रामा फिल्म कनेक्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के बारे में। दोस्तों बात करें फिल्म कनेक्ट के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 की, तो फिल्म कनेक्ट ने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 2 के अंदर 1.50 करोड़ का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन किया, जहां फिल्म का तमिलनाडु से 1.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा। इसी के साथ फिल्म कनेक्ट का अभी तक टोटल बॉक्स ऑफिस पर 2.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है, जहां फिल्म का तमिलनाडु से टोटल 2.25 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन रहा है। फिल्म कनेक्ट के बजट की बात करें तो फिल्म को 22 करोड़ के बजट में तैयार किया गया है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि फिल्म कनेक्ट को हिट होने के लिए वर्ल्ड वाइड 35 करोड़ के आंकड़े को पार करना होगा। दोस्तों फिल्म कनेक्ट की बात करें तो फिल्म कनेक्ट एक हॉरर ड्रामा फिल्म है। फिल्म कनेक्ट आपने देखी या ना देखी, आपकी इस फिल्म को लेकर क्या राय है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों ये था लेगा जो कहा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस का। पोस्ट पसंद आया तो लाइक करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बॉलीवुड के लिए जुड़े रहिए मेरे एंटरटेनमेंट के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।